ना शूट ना सेट ना निर्देशक ना काम था, वाकई मनचाहा नहीं आराम था। ना सुबह शॉट से पहले की स्ट्रांग ब्लैक कॉफी और ना ही शाम को सेलिब्रेशन वाला जाम था। बड़े से बड़ा कलाकार आम था, पर क्या वाकई इतना बुरा यह अल्पविराम था? क्या याद है हमें वो पहला दिन जब हमने स्टार नहीं कलाकार बनने की ठानी थी? हर मुश्किल से लड़ जाएंगे मगर आगे जरूर बढ़ जाएंगे। भीतर एक आग हमने पहचानी थी, बस फिर क्या था, हर मीटिंग, हर स्क्रिप्ट, हर ऑडिशन खास बन गया। अच्छा हो या बुरा, हर तजुर्बा एक रियाज बन गया। फिर एक दिन पहला काम मिला तो लगा जैसे पूरी कायनात जीत ली, हम सिकंदर बन गए। इंडस्ट्री के इस जंगल में एक हम ही हैं शेर, बाकी तो सारे बंदर बन गए। वो फक्र, वो आंसू, वो खुशी, वो सुकून, कुछ पा लेने का वो जुनून सच्चा था। और जितनी सच्ची थी खुद को साबित करने की जिद, उतना ही हमारा भोलापन सच्चा था। इसी सच्चाई, इसी मासूमियत के साथ कटे अगले कुछ साल। फिर ख्वाहिशों ने फैलाना शुरू किया अपना जाल, और पता चला कि नियत कलाकार मगर आंकड़े स्टार बनाते हैं। दुनिया से अलग हम भी नहीं, नियत से समझौता कर हम भी चलो आंकड़ों के गुलाम बन जाते हैं। ये आंकड़े एक नशे की तरह हैं, हमें भी इनकी आदत सी लग गई। शायद इसीलिए आने वाले सालों में चेक बड़े होते चले गए और उनकी कीमत घटती चली गई। व्यूज अगर मिलियंस में ना हो तो लोग खरे सोने जैसे गीतों को भी बकवास मान लेते हैं, और अगर हो तो बेहूदे गानों को खास मान लेते हैं। इन आंकड़ों ने हमारे नजरिए को अपाहिज कर दिया है, बस एक भेड़ चाल है उसी में हमें भी शामिल कर दिया है। शायद यही वजह है कि गुरुवार और शुक्रवार के आंकड़ों में कला कहीं भटक गई। काबिलियत है हम सब में, पर फिलहाल कहीं अटक गई। कभी कभी लगता है कि ये आंकड़े कमर तोड़ देंगे किसी अंधेरे कमरे में, बिना सहारे के अकेला छोड़ देंगे। मगर सच कहूं तो इन पिछले कुछ महीनों में इन आंकड़ों की ताकत जरा कम हो गई है, और इसीलिए सालों से लॉकडाउन अंदर के कलाकार से अपनी दोबारा दोस्ती हो गई है। अब हर घर में कोई कवि, कोई लेखक, कोई अभिनेता तो कोई निर्देशक है। सभी के पास अपनी कहानी, अपनी जबानी, अपने मुताबिक कहने की ताकत है। मगर सुनने में आया है कि सब फिर खुल गया है, यह आंकड़े भी लॉकडाउन से जल्द बाहर आते होंगे, इन्हें आने मत देना। और शायद फिर से हमारे अंदर के कलाकार ने लॉकडाउन में लौट जाने के लिए बस्ते बांध लिए होंगे। उसे जाने मत देना, कह देना उससे कि आंकड़े तुझसे हैं तो इनसे नहीं, इन पे तेरा हक है, तुझे दिलाकर रहेंगे। आइंदा दुनिया के नहीं, खुद ही के नजरिए से अपनी कला को आंका करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, रह जाएगी ये हसरत यहीं। इसीलिए मैंने हुनर से मोहब्बत कर ली है, क्योंकि वफा निभाना किस्मत की फितरत नहीं।